एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत दिनों बाद, आपको पता है मैं कितना जल्दी जल्दी गोल्ड या डायमंड खरीदती रहती थी बीच में, तो बीच में मैंने सोचा था कुछ बड़ा खरीदने के लिए, बट वो अभी तो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 2000 के नोट थे मेरे पास, मैंने उसको अच्छे से जमा करे हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जी आज थोड़ा सा गोल्ड खरीदा जाए या कुछ डायमंड खरीदा जाए। और आपको मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था सॉलिटेयर अपने ईयर रिंग खरीदने के लिए मैंने सोचा था अगर अच्छे लगते हैं तो वो लूँगी, या फिर कुछ और देखूँगी, या रिंग देख सकती हूँ, या मैं कुछ भी देख सकती हूँ। तो मैंने पहले तो बहुत दिनों से मैंने सॉलिटेयर ईयर रिंग सोचा था लेने के लिए। डायमंड रिंग आप सॉलिटेयर बहुत ईजिली ले सकते हो, क्योंकि वो एक ही होती है, और सॉलिटेयर अगर ईयर रिंग लेना होता है ना तो वो दो दो होते हैं, एक इसमें एक इसमें, आपको पता ही है। तो इसमें ना दो का खर्चा हो जाता है, तो वो मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। जहाँ से मैं हमेशा से लेती हूँ, मोस्टली मैं लेती हूँ कैरेटलैंड से, या तनिष्क से, या मालाबार से, मतलब ये दो तीन चीज़ें हैं। कल्याण से भी लेती हूँ मैं ऐसे, दो चार जो शोरूम है वो उससे देखूँगी। अगर मेरे को अलाउड हुआ वीडियो बनाने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी, ट्राई करूँगी, और नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, आपको मैं डायरेक्ट दिखा दूँगी। तो अभी हम चल रहे हैं पैसिफिक मॉल, ठीक है। थोड़ा सा मैं रेडी होती हूँ, या देखते हैं जो भी है, ठीक है। चलो, रेडी तो मैं हुई, मतलब कपड़े वगैरह देखती हूँ, थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, और पहले क्यारा को लेकर आऊँगी, फिर चलूँगी। चलो, हाँ, मैं ये 2000 के नोट से ही ख़रीदने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा बैंक में भी जमा करने ही हैं, तो बैंक में जमा करने से पहले देखते हैं कि शोरूम में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं हमारे 2000 के नोट। चेक तो करके आए एक बार, तो हम देखेंगे और चेक करेंगे, और इनको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर क्या है, अभी बंद तो नहीं हुए ना, सितंबर में होंगे, अभी तो चल रहा है जून, तो जून में अगर आप खर्च कर रहे हो 2000 के नोट, जिसने मना किया तो उसकी बहुत गलती है। अगर कोई कोई तो मुझे लग रहा है लेगा भी नहीं, ऐसे तो मैं भी नहीं लूँगी अब, ये भी बात सही है, पर देखते हैं शोरूम में चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे शोरूम लेके गई हूँ, 2000 के नोट चला रही हूँ, चल रहे हैं आराम से, तो आई थिंक गोल्ड लेने में भी कोई इशू नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ अगर हमने कुछ, मेरे को परचेज़ तो करना ही था, मैं जमा ही कर रही हूँ, बट मैंने सोचा और जमा कर लेती तो अच्छा सा कुछ इयर रिंग ले लेती, तो कोई बात नहीं, चलते हैं फिर देखते हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं कैरेटलैंड, और मैं सॉलिटेयर ईयर रिंग देख रही थी, जो कि बहुत बहुत क्यूट थे, बहुत सुंदर थे। जो मुझे पसंद आ रहा था वो सिर्फ थोड़ा सा मेरे बजट में था, और अगर जो जैसे ये हार्ट शेप है तो ये मेरे बजट में था, और थोड़ा बड़ा साइज़ था तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है इधर के, आप देख सकते हैं। गाइस, इतनी सुंदर सुंदर कलेक्शन है ना इनके पास, कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगते हैं सारी कलेक्शन इनकी। और फिर मैंने ईयर रिंग देखने के बाद रिंग देखी, जो बैंड थी, जो आप देख सकते हो बैंड, ये लुक है जो बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा उंगली भरी भरी लगती है। फिर मैंने सॉलिटेयर थोड़ा देखा कि हाँ भाई, पहले मैंने ये बैंड देखे, फिर मैंने थोड़ी देर बाद सॉलिटेयर देखे, जो कि बहुत सुंदर थे। ये एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि आपको पता है ये गोल्ड बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं गोल्ड के, तो अब मैंने सोचा कि मैं इस टाइप की रिंग लेती हूँ, पर मेरे साइज़ की ना मिल नहीं रही थी, 40 डेज लगते हैं इसमें, तो ये सॉलिटेयर थी जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली रिंग। तो मैंने सोचा कि और भी ट्राई करती हूँ, मैंने कियारा से भी पूछा कि कौन सी अच्छी लग रही है, तो कियारा ने भी मुझे बताया कि ये अच्छी लग रही है, और इसको ये भी अच्छी लग रही थी। तो कैरेटलैंड में ना ये नया कलेक्शन आया था, अदा कलेक्शन, जो बहुत ही सुंदर थी। ये तीन रिंग थी जो अदा कलेक्शन के नाम से, तो मुझे ये रिंग बहुत पसंद है, बट ये डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अड़ने वाली मुझे लगी, किसी ना किसी चीज़ में उलझेगी या कुछ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉलिटेयर देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और बहुत बहुत मुझे अच्छे लगे, सारी बहुत अच्छी थी,
बट मेरे साइज़ की नहीं मिल रही थी। तो अब साइज़ का इशू होता है जब हम कुछ लेने जाते हैं गोल्ड में या कुछ भी लेने जाते हैं, तो हैंड टू हैंड मिलती है तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता ही है। और ये 40 डेज़ का मेरे को वो बता रहे थे कि आप 40 डेज़ में ले सकते हो। ये वाली रिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी बट फाइनली मैंने एक रिंग ली और इन्होंने 2000 के भी नोट लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को 2000 के नोट सब उसमें भी जमा करवाने थे बैंक में, तो इससे अच्छा तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मैं जोड़ ही इसी चीज़ के लिए रही थी। क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं तो हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही है, कुछ ना कुछ इधर उधर चीज़ों में लग जाते हैं। इससे अच्छा तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट या डायमंड के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। हमारे घर पर होंगे पैसे तो ज़रूर वो हमसे खर्च हो ही जाते हैं। सो गाइज, मैंने ब्रेसलेट भी देखे जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। तो अभी हम चलते हैं घर और आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या परचेज करके आई हूँ। सो गाइज, हम आ गए थे घर पर और ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं कैरेट लाइन से क्या लेकर आई हूँ। ये सो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे को कुछ तो लेना है गोल्ड में, और आपको पता ही है कि मैं कुछ टाइम बाद पैसे इकट्ठे करके, और चाहे मैं कुछ भी लूँ, चाहे मैं गोल्ड लूँ, चाहे मैं डायमंड लूँ, चाहे प्लैटिनम लूँ, चाहे मैं सिल्वर लूँ, कुछ भी लेती हूँ, क्योंकि पैसे इकट्ठे करके मैं कहीं और लग जाए खर्च हो जाते हैं। इससे जो तो आप इन्वेस्टमेंट करो अच्छे से, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम गोल्ड तो खरीद ही सकते हैं। सो गाइज, ये है एक कैरेट लाइन का बैग जो इसी में आपको हमेशा मिलता है। मैं तो हमेशा जब भी लिया है ना, मैंने कुछ भी इसमें से परचेस किया है वो इसी पैक में मिला है मेरे को हमेशा, और ऐसे ही मिला है। तो आप गैस करके बता सकते हो इस टाइम पे स्टॉप करके वीडियो कि मैंने क्या परचेजिंग की है। तो चलो खोल के देखते हैं। एक हाथ से मेरे से खुल नहीं रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी, तो एकदम से खोलने के बाद आपको पता ही लग गया होगा, अब तो मैंने एक सॉलिटेयर रिंग ली है जो बहुत बहुत सुंदर है। आप बताना ज़रूर कैसी लगी। सो गाइज, मैं आपको फिंगर पे डाल के दिखाती हूँ कि इसमें मेरे को हाथ में मतलब कैसी लगी। और मैंने एक और देखी थी बिल्कुल इसी टाइप की, तो वो मेरे पास ना कुछ डिज़ाइन मैच कर रहा था, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, जो मैंने अभी तक ऐसी वाली रिंग नहीं ली है। जो आपको पता ही है मेरे पास एक और सॉलिटेयर है, बट वो थोड़ी बिल्कुल अलग है, स्क्वायर में है, तो ये है। सो गाइज, ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने कायरा के लिए क्या लिया है आप ज़रूर देखना। तो ये है कायरा हालो सॉलिटेयर रिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेरे को तो लगी। आप बताना, इसमें ना एड्रेस वगैरह सब कुछ है, मेरे नंबर वगैरह, तो इसलिए मैं आपको बिल वगैरह का पूरा सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। बट हाँ, वो 18 कैरेट में है मेरी रिंग, और इसके साथ सर्टिफिकेट मिलता है, मेल देते हैं वो अच्छे से। आप अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और मेल में लेना चाहते हो तो मेल में, तो मैंने मेल में ले लिया था। तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लिया करो जब भी आपने परचेजिंग करनी है डायमंड की। गाइस, हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी परचेजिंग कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट लेना मत भूलना, क्योंकि उसमें डायमंड के रिंग के आपको सारी डिटेल पता होना चाहिए, और आपको पता आगे जब भी आपको चेंज करवानी हो चेंज करवा सकते हो। तो मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ, सर्टिफिकेट ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कायरा के लिए मैंने क्या लिया आपको आप वो कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।